हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एन के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर जो नीचे आपके आ रहा है उसको प्रेस कर दें और मेरी न्यू वीडियो जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनको अपडेट पाने के लिए इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए आज जो है ना मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप किसी फोल्डर को लॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इसको में क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से ही कोड लिख रखा है जिससे कि टाइम लग जाए। आप इसमें देखें कि जो भी रेड कलर टेक्स्ट है उस सारा डॉस की कमांड मैंने यूज़ किया है इसमें। तो पहले हम समझ लेते हैं कि किस कमांड का क्या काम है। तो यहाँ पे CLS का मतलब ये है कि जो भी अगर हम पहले इसको रन करेंगे तो कुछ टेक्स्ट वगैरह अगर स्क्रीन पे रह जाता है बिहाइंड द सीन तो वो उसको क्लीन कर देगा, मीन्स द स्क्रीन जो है वो क्लियर कर देगा। इस @ इको ऑफ का मतलब ये है कि वाट एवर हैपनिंग इन बिहाइंड द सीन, मीन्स कुछ भी अगर पीछे हो रहा है तो वो आपको नहीं दिखाई देगा, तो इसको हमने ऑफ कर रखा है। ओके, अब सबसे पहला काम ये करना है कि हमें टाइटल देना है फोल्डर का। तो टाइटल जो कि ऑलरेडी कीवर्ड है उसको यूज़ किया है और उसको बताया है टाइटल तो ये फोल्डर के बारे में है, और प्रिंट नाम का हमने फोल्डर क्रिएट कर रही है। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी कर लिया है हमने, और उसको हमने क्या करा है कि बताया है कि टाइटल जो है वो प्रिंट नाम से है तो वो उसको सर्च करेगा। अब वो ये देखेगा कि वो प्रिंट नाम के फोल्डर डायरेक्टरी जो है वो कंट्रोल पैनल में अवेलेबल है या नहीं है। तो ये जो कोड है कंट्रोल पैनल का आईडी ये सेम रहेगी एज इट, और जितने भी कीवर्ड है वो एज इट सेम रहेंगे। जहाँ पे चेंज करना होगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर इसके बाद ये चेक करेगा अगर एग्जिस्ट करता है डायरेक्टरी तो गो टू अनलॉक। अनलॉक यहाँ पे एक लेबल का नाम है जो कि मैंने लास्ट में यहाँ लिख रखा है, आप देख सकते हैं। अगर वो एक्सेस करेगा तो वो यहाँ पे आएगा, अगर एक्सेस नहीं करता है तो उसके लिए मैंने कोड लिख रखा है कि वो फोल्डर को चेक करें कि एक्सेस नहीं करता ये वाला प्रिंट नाम का फोल्डर तो वो एमडी लॉकर यानी उसको क्रिएट करे। इट्स मीन पहले से कोई फोल्डर जो है वो लॉक होगा, उसकी डायरेक्टरी बन गई होगी तो उसको अनलॉक करने के लिए वो जंप कर देगा उस लेवल पर यहाँ पे, और अगर नहीं होगा तो उसको क्रिएट डायरेक्टरी करेगा। जैसे कि एमडी लॉकर पे आएगा वो एमडी में एक डायरेक्टरी बनाएगा उस फोल्डर की, और प्रिंट ये यूज़र को दिखाने के लिए करेगा कि प्रिंट फोल्डर क्रिएट सक्सेसफुली हो गया है, और बाद में एंड लेवल पर चला जाएगा जहाँ पर कुछ नहीं है। तो सबसे पहले जो पार्ट है वो है स्टार्ट। जब ये स्टार्ट होगा तो क्या, जब मैं एल को रन करूँगा तो सबसे पहले आप इस यूज़र को क्या दिखेगा। तो यहाँ पे हमने कंफर्म एक लेबल बना रखा है, आप इसको यहाँ स्टार्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर, बिगनिंग भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। तो यूज़र के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट किया हुआ है कि आर यू श्योर यू वांट टू लॉक द फोल्डर। अब यूज़र या तो वाई में लिखेगा या एन में लिखेगा, यहाँ पे मैंने उसको शो करता है वाई या नो, यस और नो। इसके अलावा हमने क्या कराया कि सेट कीवर्ड के थ्रू हमने प्रॉम्प्ट कराया है और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उस वेरिएबल में हमने कैपिटल वाई को लिया है, स्मॉल वाई को लिया है, दोनों का मीनिंग है यस, स्मॉल एन और कैपिटल एन, इसका मीनिंग है नो। लेकिन हमने क्या करा है कि सिर्फ CHO को ही केवल CHO को चेक करेगा स्टार्ट और एंड तक, और उसमें वेरिएबल वाई जो हमारा इनपुट हुआ वो वाई को उसमें डाल देगा, और चेक करेगा कि जो इनपुट है वो इस वाई से मैच करता है तो लॉक कर दे, यानी जंप टू लॉक और लेबल, और अगर मैच नहीं करता है तो चॉइस दे दे इनवैलिड चॉइस, यानी जो आपने चूज़ किया है वो इनवैलिड चॉइस है।
अब अगर सपोज के तौर पे अगर आप आर डाल आर प्रेस करते हैं जब अगर आपसे पूछता है यस और नो, और लेकिन आप आर प्रेस करते हैं तो वो इनवैलिड जो है शो करेगा और अगेन गो टू कन्फर्म में चला जाएगा। और अगर आप वाई कैपिटल या स्मॉल डालते हैं तो लॉक लेवल पे जंप करेगा और यहाँ पे आएगा। यहाँ पे वो क्या करेगा, उस प्रिंट फोल्डर का रीनेम बनाएगा उस डायरेक्टरी में, उस डायरेक्टरी में वो फोल्डर क्रिएट कर देगा और कुछ और उसको क्या करेगा कि आवर्स और सेकेंड जिसमें जितना टाइम भी लग रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग वो उसको उस डायरेक्टरी में सेव कर देगा और आप और यूज़र को ये बता देगा कि फोल्डर लॉक्ड हो गया है। इसके बाद एंड में चला जाएगा यानी कि एंड में गया। ये पार्ट वन हो गया। अब जब दोबारा से वो रन करता है तो इफ एग्जिस्ट करता है यानी कि लॉक ऑलरेडी डायरेक्टरी क्रिएटेड है तो वो क्या करेगा, उस फोल्डर को लॉक जो फोल्डर है उसको अनलॉक करे के लेवल पे जाएगा यानी यहाँ पे। फिर यूज़र को शो करेगा कि एंटर द पासवर्ड टू अनलॉक फोल्डर। तो यहाँ पे भी मैंने क्या करा है कि सेट प्रॉम्प्ट और एक पास वेरिएबल ले रखा है। एग्जैक्टली काम ये है कि वो उसको होल्ड करके रखता है जब तक आप उसको कुछ इनपुट दे के एंटर ना करें तब तक। फिर वो ये चेक करेगा कि इस पास वेरिएबल में ये वाला पासवर्ड जो आप डालेंगे वो इस पास वेरिएबल में आएगा और वो उसको मैच करेगा। अगर मैच होता है तो फोल्डर अनलॉक कर देगा, अगर मैच नहीं होता है तो फेल लेवल पे जंप कर देगा और शो कर देगा इनवैलिड पासवर्ड और एंड कर देगा। तो मैच कर देगा तो फिर उसके बाद जो भी आवर्स और सेकेंड्स उसमें होंगे उसके अकॉर्डिंग वो उस डायरेक्टरी तक पहुंचेगा और फिर क्या करेगा कि यहाँ पे रीनेम कर सकता है और इस जगह पे मैंने प्रिंट नाम का फोल्डर है, अदरवाइज क्या होगा कि जो नाम यहाँ पे होगा वो नाम से वो फोल्डर अनलॉक होगा और जब आप सेकेंड टाइम दोबारा से चलाएंगे तो वो फोल्डर उसको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ और नाम है और यहाँ पे कुछ और नाम होगा तो सेम नाम होना चाहिए। ये जो ब्लू कलर है यहाँ पे आप अपना कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस। उसके बाद फोल्डर अनलॉक कर देगा सक्सेसफुली और एंड पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो इसलिए। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को कॉपी करता हूँ। मेरा जो मकसद था यहाँ पे दिखाने का वो इसलिए था कि आपको कीवर्ड क्लियर दिख जाए जो कि डॉस के हैं और जो चीज़ें मैं चेंज करूँगा यानी कि वो कलरफुल मैंने टेक्स्ट इसलिए रखा था कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि कैसे आप उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं इसको ना पेस्ट करूँगा नोट पैड पर, तो नोट पैड पर क्या होता है कि कोई कलर होता नहीं है, सेम कलर में होता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो आप उसमें पता नहीं कर सकते। अब ये जैसा कि मैंने देखा एज इट इसको पेस्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसको सेव एज करना है और सेव करना है लॉकर नाम से, जैसे कि आपको याद लगे लॉकर नाम की आपने फाइल बना रखी है .txt बैच फाइल में आपको इसको सेव करना है। आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं, ये मैंने सेव कर दिया। अब क्या करता हूँ कि ये लॉकर बैच ना कि अब आप ये देखिए कि मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे उसने क्या करा है कि प्रिंट नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रिंट नाम का फोल्डर नहीं था। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्रिएट कर दे फोल्डर प्रिंट नाम से। तो ये देखें कि आप उसने क्या करा है कि ये फोल्डर जो है क्रिएट कर दिया और इस फोल्डर में कुछ नहीं है क्योंकि उसने क्रिएट किया है। अब मैं इसको तो यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं प्रिंट फोल्डर नाम से फोटो बना देता हूँ।
तो जैसा कि आपने देखा, मैंने इसको पेरेंट नाम से फोल्डर बना दिया। अब मैं जब इसको रन करता हूँ तो देखिए कि इसने कोई दूसरा फोल्डर नहीं क्रिएट किया पेरेंट नाम से। अब ये पूछ रहा है आर यू श्योर टू लॉक, जैसे कि आपने देखें कि इसने ये वाला रन किया और गो टू वो यहाँ पे आ गया है सीधा। तो वो क्या कर रहा है कि उसने पूछा है कि आप फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं यानी, तो आप यहाँ पे देखें कि मैं देता हूँ वो देखिए पहुँचता इनवेट, मैं कह देता हूँ यू इनवेट चॉइस यानी यहाँ पे जो करता है क्योंकि ये वाई और एन से मैच नहीं करता। अब मैं देता हूँ वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई या कुछ वाइजर, और जैसे ही एंटर मारता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे पेरेंट फोल्डर की तरफ ये देखिए फोल्डर जो है वो लॉक्ड हो गया है। हमको इसलिए नहीं दिखा क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एक को जो है ना उसको ऑफ कर रखा है यानी जो भी हो रहा है वो उसको ऑफ कर रखा है। अब हमें अनलॉक करने के लिए अब वो क्या करा कि उसने ना एक फाइल बना दी, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी और उस डायरेक्टरी पर उसने लॉक कर दिया है इस डायरेक्टरी से कंट्रोल पैनल में। फिर से नहीं करते हैं तो अब कि वो कहाँ पे गया है क्योंकि उसने चेक किया है कि एक्सेस कर रही डायरेक्टरी और फोल्डर जो है अनलॉक पे करना है, तो अनलॉक पे गया है और उसने पूछा है एंटर द पासवर्ड अनलॉक। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड क्या लिखा है एन के अकाउंट, सपोज हम एन के डालते हैं तो क्या है कि पासवर्ड से फोल्डर अनलॉक नहीं हुआ क्योंकि फेल पे चला गया, और फेल पे क्या है ईमेल पासवर्ड और एंड चला जाएगा। यहाँ पे जो फेल का एंड है इसको हटा देते हैं और फाइल को सेव करते हैं और अब इसको फिर से रन कराते हैं और हम आपकी क्या करते हैं फिर से रन कराते हैं पासवर्ड और एंटर मारते हैं। तो ये इसने क्या करा कि ये ओपन कर दिया। रीज़न ये था कि यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड तो करा लेकिन एंड नहीं हुआ, क्यों इसने ओपन कर दिया क्योंकि यहाँ पे इसने चेक किया फेल पे गया और इनवैलिड पासवर्ड आपको शो किया और फिर वापस इस जगह पे वो पूरे कोड था उसको पूरा रन किया और बाद में एंड हुआ। तो यहाँ पे जो है कि हमें उसको एंड नहीं करना है, तो ये जो है यहाँ पे एंड नहीं करने से ये रीज़न हुआ, इसलिए हमने एंड किया था। अब हम इसको फिर क्या करते हैं इसको सेव कर देते हैं फिर से इसको अपना फिर से करता हूँ तो आप देखें ये आ गया है फोल्डर। तो सारी उसमें वेल जितनी भी चीज़ें थी वो सब सेव थी। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी बहुत पसंद आई होगी, तो इसको आप लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।